नेपाल क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुका है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुका है। दोनों ही टीम का मैच ओपनिंग मैच होगा, एशिया कप का ओपनिंग मैच नेपाल वर्सेस पाकिस्तान 31 तारीख को स्टार्ट होगा, यानी कि 31 अगस्त। तो आज हम बता दें दोनों टीम में कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे। नेपाल के तरफ से रोहित पौडेल कैप्टन, आसिफ शेख, कुशल भुरतेल काफ़ी अच्छा ओपनर बैट्समैन है दोनों, ललित राजवंशी, भीम सारकी, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह एरी, संदीप लामिछाने, सब लोग जानते हो संदीप लामिछाने क्या एक नेपाल का ब्रांड है, करण केसी, गुलशन झा, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, प्रतीश जीसी, कुशल मल्ल, संदीप जोरा, अर्जुन साउथ और श्याम ढकाल। देखा जाए तो नेपाल का स्क्वाड पहले जिस तरह से स्क्वाड आया था उसी तरह का स्क्वाड अभी भी देखने को मिल रहा, चेंज इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे आके कुछ चेंज बदलाव करे और यहाँ बड़ा स्टेज पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए जो स्क्वाड पहले से खेलते हुए आ रहा था वही स्क्वाड को मौका दिया। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस, एक वीक के लिए जाएंगे, एक वीक पहले जाएंगे नेपाल क्रिकेट टीम और वहाँ पे जाके प्रैक्टिस मैच भी खेलेंगे पाकिस्तान जूनियर टीम के साथ। तो ये नेपाल के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कि वहाँ जाके कंडीशन को माप ले जो कि किस तरह का यहाँ पे पिचेज मिलेगा। श्रीलंका में भी होगा, श्रीलंका में इंडिया के साथ खेलेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे पाकिस्तान के साथ नेपाल का मैच पहला और ओपनिंग मैच होने वाला है उसका। तो नेपाल का आपको बता दिए प्ले स्क्वाड, नेपाली स्क्वाड क्या है, हम पाकिस्तान के स्क्वाड क्या है वो भी बता दें। बाबर आजम है, फखर जवान है, इमामुल हक है, सलमान है, इफ्तियार अहमद है, मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद हारिस है, सदाब खान है, मोहम्मद नवाज है, उस्मान अमीर है, पहिन अशरफ है, हारिस श्रॉफ, मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि काफ़ी अच्छा बॉलर है, नसीम शाह, इन्हें कौन नहीं जानता, और साइन साबरी। देखा जाए तो बहुत बड़ा बड़ा नाम है पाकिस्तान के स्क्वाड में, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चित तौबा खेले, वहाँ पे नेपाल भी अच्छा खेलेंगे तो बाजी मार सकता है। हाल में ही देखा जाए तो वेस्ट इंडीज ने इंडिया को धूल चटा दिया, इसी तरह से नेपाल भी पाकिस्तान को धूल चटा सकता है। तो आप लोगों को स्क्वाड देख के क्या लगा, किस में कितना है दम, नेपाल बाजी मार सकता है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सारा अपडेट लाएंगे। आप लोग कहिएगा तो इंडिया का और नेपाल का स्क्वाड भी लाएंगे। सबसे मेन भूमिका होने वाला है बैट्समैन की तरफ से नेपाल के, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, कुशल भुरतेल और कुशल मल्ल, ये एक विस्फोटक बल्लेबाज है, ये चल गए तो मैच चल गया। भीम सारकी जब विकेट गिरता है तो उनका काम है कि एक छोर से संभाले रखने का। बॉलर में बताए तो संदीप लामिछाने, सोमपाल कामी, ललित राजवंशी और करण केसी, ये चार बॉलर में भी चल गया नेपाल का नैया पार हो सकता है, अभी भी बोल रहे हैं और ये वीडियो सेव करके रख लीजिएगा, सही होगा। और पाकिस्तान को खाना है तो बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और इफ्तियार अहमद, ये चार बल्लेबाज को पहले पवेलियन पठाना होगा, तभी नेपाल कुछ टीम बन सकते हैं मैच में। बॉलर में बताया तो नसीम शाह, साइन शाह अफरीदी, ये दोनों को संभाल के खेलना होगा नेपाल को, इन दोनों से बच गए तो स्पिनर तो खेलते आ रहे हैं नेपाल टीम और स्पिनर को अच्छा खेलेंगे, बाउंसर बॉल पे जिस तरह से विकेट फेंक के जा रहे उस पर भी काम करना होगा, एक हफ्ता पहले जा रहे इस सब पे काम करें। स्क्वाड पाकिस्तान का बहुत अच्छा, बहुत भारी लग रहा है, लेकिन नेपाल क्रिकेट टीम पे भरोसा और हौसला है, देखते क्या होता है और एशिया कप में अपना नाम छोड़ के आए नेपाल क्रिकेट टीम, यही हम चाहेंगे। और आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोगों को क्या लगता है, नेपाल क्रिकेट टीम पाकिस्तान के ऊपर बाजी मार सकता है। मेरा वीडियो
सेव करके रखिए और देखिए ये 4-4-8, ये 4-4 प्लेयर चल गए तो पाकिस्तान का पानी पिया लेगा। और अगला वीडियो आप चाहिएगा तो हम इंडिया के साथ भी कंपेयर करेंगे जब इंडिया का स्क्वाड अनाउंसमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो प्लेइंग 11 क्या रखना चाहिए नेपाल को जो एग्जैक्ट हो। और आप लोगों को दिल से विनती करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय नेपाल, जय नेपाल क्रिकेट टीम। मिलते हैं आपके साथ प्लेइंग 11 के साथ।